ya lo dejó. El siguiente hablo que dice hasta donde puede estar. इसी तो से ये कहना चाहिए कि मुझे भी अपने पुराने दिन याद आ गए। मैं भी कभी इसी तरह के कैंपों में जो हाई स्कूल में पढ़ा करता था पढ़ाया करता था, और उसके बाद मैंने BSc किया। जब BSc करते हैं स्कूल से निकल के तब बच्चे में एक अलग व्यक्तित्व होता है, एक अलग उड़ान में आपके आ जाता है। जब स्कूल छूटता है कॉलेज आता है तो कहते हैं ना कॉलेज की हवा लगती है ना, तो वो हवा कहीं ना कहीं हम लोगों को भी लगी। ऐसा नहीं कि वो सब छूटे, लेकिन उस समय को यदि आज हम याद करते हैं तो निश्चित रूप से ये महसूस करते हैं कि जो बहुत सारी चीजें बेहतर रूप से हम वहां सीख सकते हैं। इवन मैं सर BSc के बाद BBSc के वेटनरी का डॉक्टर भी हूँ, और वहां पर LCC का हमारे पास वेटनरी बोर्ड का ग्रुप था। लेकिन कहते हैं कॉलेज की हवा लगती है, उसके बाद BSc किया। BSc के बाद जो BBSc के एडमिशन लिया वहां पर उस बोर्ड में मेरे पास बहुत सारी सुविधाएं LCC आपका बॉक्स राइटिंग का पूरा कोर्सेज हमारे यहाँ था बहुवेटिंग कॉलेज। जो कोर्स लाखों रुपए खर्च करके इंदौर में ही एक सेंटर है TGSS का, वहां पर उसको सिखाई जाती थी, लेकिन और उसमें प्राइवेट वहां पर पैसा भी दिया जाता था प्राइवेट को। लेकिन हम कहते हैं ना हवा की उड़ान में हमने वो क्षण खो दिया। तब लगता था कि कौन सुबह 6 बजे 5 बजे उठ के जाएगा, क्या करेंगे जाके, जो दो रहे दो हॉस्टल वो लोग हमारे। तो ये जो चीजें हैं मेरा इसलिए आपको इसका उत्तर बताने के लिए आई कि हम कभी कभी अनजाने में कुछ उस चीज को जानते नहीं है, महसूस नहीं करते, और वो क्षण खो देते हैं जो लौट के नहीं आने वाले। तो मेरा भी इस अवसर पर यह भी कहना है कि हमें जो चीज बेहतर रूप से बताई जाती है, चाहे पेरेंट्स के माध्यम से बताई जा रही हो, समाज के माध्यम से बताई जा रही हो, स्कूल कॉलेजेस के टीचर्स के माध्यम से बताई जा रही हो, ये सब कहीं ना कहीं हमारे लिए अपने आप को बेहतर बनाने के लिए स्तंभ है। लेकिन उन स्तंभ से यदि आप थोड़ा सा भी लहराए तो पता चला हमारा रास्ता बदल जाता है। तो मेरा आपसे तो ये भी है कि क्योंकि आप लोगों को बताएं अभी रक्षा मंत्री की बात चल रही है कि दिशा जिले में नदी का कभी पानी करते हैं जैसे कुछ बड़े लोग करते क्या बात करके करते हैं, लेकिन जिले में ही अभी हमारे सामने एक प्रकरण आया राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष जिन्होंने बासुदा में कुछ प्रकरण जो है बच्चों की नशा मुक्ति के पाए, तब ये विचार सामने आया है कि जिले में बाल नशा मुक्ति केंद्र की भी स्थापना की जाए की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो भटकाव है ये बच्चों की ओर बढ़ रहा है, और ये भी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कहता कि सारे बच्चे जो यहाँ बैठे हैं इनमें से गुटखा पीते लोग खाते हैं, हाँ बड़ा गुटखा पीते लोग खाते हैं, सामने भी बताएंगे है ना, नहीं नहीं खाते कितने लोग देखो यहाँ पे वो बात नहीं हो रही है, ये हो रही कि हमारी इच्छा शक्ति इतनी है कि हम सही बात को सामने ला के कह सकें, ये भी अपने आप में हिम्मत होती है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो आगे बताए पहुंच के कुड़िया कितने के पास में है, ज्यादा कौन लोगों के पास
मैं मानता हूं क्योंकि बच्चे पान मरा आजकल जो बहुत सारी चीजें हैं, तो ये मीठी वाली जो आप शौक है और बहुत सारी चीजें शुरुआत नहीं जो होती है धीरे धीरे। अच्छा कोल्ड ड्रिंक कितने लोग पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में भी कहीं जब अपन पी के होता है तो जो है उसकी जो मिठास है, और बच्चों को आधा रात में कोल्ड ड्रिंक में ज्यादा हो गई है, दूध पीना पसंद नहीं करते, कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते। सर सर तो हमारा जो सब मैसेज किया है तो हम उसे कैसे उठाएंगे? हाँ देखो जो नशे की आदतें हैं बुराई कोई अभी जो बात हो रही थी, बुराई बहुत जल्दी आदमी ग्रहण करता है और अच्छाई को ग्रहण करने में पसीना छूट जाता है, कई संघर्ष करने पड़ते हैं उसके लिए, है ना। तो इन चीजों के लिए बुराई हमेशा काम आती है, बहुत जल्दी आती है, और उन चीजों को कहीं ना कहीं हमें दूर रखना पड़ेगा, और इसके लिए आत्मविश्वास बहुत ज्यादा जरूरी होती है। यदि आप संकल्प करते हैं कि मुझे इस चीज को नहीं लेना है तो नहीं लेना है, कोई व्यक्ति आपको बिगाड़ नहीं करता, लेकिन यदि आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, उनने कहा जब देखो साथ में पीते हैं तो लोग भूख लगाते हैं, है ना, बहुत से लोग भूख लगाते होंगे, ऐसे कि नहीं लगाते, बच्चों को भी देखता हूँ, कई लोग जो है आपके कानों के पीछे लगे वहाँ बैठ के और पीते हैं। उसकी कमी ये है कि हम उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी कोई देखने वाला नहीं है, ना देख रहे हैं, तो जरूरी है कि कृपया करके हमें अपने आप को, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, ये हम बच्चों की बातचीत कर रहे हैं जो बिजारी पढ़ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय